दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लासिक 350 सिग्नल्स मार्श ग्रे के बारे में, प्रॉपर इसकी डिटेल्स, प्राइस, इसके फीचर्स और क्या क्या ऑफर्स चल रही हैं 2022 का जो वेरिएंट है उस पर। और मेरा नाम है संदीप कैंथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों ये रहा बाइक आपके सामने, कितना सुंदर लग रहा है और टोटली डिफरेंट मॉडल है। और सबसे पहले मैं आपको इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ कि बाइक कैसा दिखने में लगता है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले टैंक से स्टार्ट करेंगे। इसका 13 लीटर का इसका टैंक है और इस टैंक पे आप देख सकते हो ये अलग नंबर दिख रहे हैं। ये जितने भी आप बाइक्स देखोगे इसमें नंबर्स जो है वो टोटली अलग आएंगे, किसी भी बाइक में सेम नंबर नहीं आएगा। और ये आप देख सकते हो बड़ा ही अच्छा एक लोगो दिया हुआ है आरी का, मेड लाइक गन का यहाँ पे लिखा हुआ है और एक बड़ा ही अच्छा लुक दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कलर है ये मार्श ग्रे है, थोड़ी सी ग्रीनिश लुक भी देता है साथ में। और यहाँ पे क्रोम में यहाँ का इसका फ्यूल टैंक कैप है और बड़ा ही सुंदर सा डिज़ाइन दिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके हैंडल बार की, तो हैंडल ऑल ब्लैक में आ जाता है जो कि पाउडर कोटेड में है। और यहाँ पे इसके स्विचेस की बात करते हैं, यहाँ पे पास का स्विच आ गया, इंडिकेटर स्विच आ गया, हॉर्न का स्विच आ गया और यहाँ पे एक आई बटन दिया हुआ है जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको चेंजेस करने के लिए। और जो सारे क्लासिक और मेटियोर में आ रहा है यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और एंड वेट भी है वो जो ब्लैक में दिए हुए हैं। और इसके जो मिरर्स हैं दोस्तों ये भी ब्लैक पाउडर कोटेड में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। आप देख सकते हो 160 तक की स्पीड है, यहाँ पे सेम बैटरी इंडिकेशन हो गया, न्यूट्रल इंडिकेशन हो गया और यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेशन, ABS और रिजर्व की इंडिकेशन भी आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेविगेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और छोटा सा डिजिटल मीटर है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल मीटर हो गया और यहाँ पे आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ यहाँ पे आपको शो होता है। बड़ा छोटा सा स्लीक सा एक रेट्रो लुक के लिए छोटा सा मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सीट इसकी स्प्लिट ड्यूल सीट आती है और यहाँ से दोस्तों कंपनी ने स्प्रिंग यहाँ से निकाल दी है, लेकिन आपको एडिशनल जो है आप स्प्रिंग जो है यहाँ पे आप लगा सकते हो। और सीट बड़ी ही अच्छी, बड़ी कंफर्टेबल दी है और बॉडी बड़ी सॉफ्ट सीट दी है। कर लेते हैं दोस्तों इसके व्हील्स की, तो व्हील इसमें आप देख सकते हो C8 के टायर आते हैं और स्पोक्स में आता है और 190 का टायर है जो कि 19 इंचेस का है। और इसमें ट्यूब वाले टायर्स ही आते हैं बिकॉज ये स्पोक्स में है तो ट्यूबलेस नहीं आते, इसमें ट्यूब वाले आते हैं। और ये सारा ब्लैक पाउडर कोटेड में ये जो इसका व्हील दिया हुआ है दोस्तों। और बात कर लेते हैं इसकी डिस्क ब्रेक की, वो 300mm की ABS ड्यूल चैनल ABS ब्रेक आती है दोस्तों और बहुत ही बड़ी ब्रेक है। और यहाँ पे आप इसके सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं और इसकी जो लाइट है वो हैलोजन में आ जाती है। छोटे पायलट लैंप हैं वो भी बल्ब टाइप आ जाते हैं। इंडिकेटर देखोगे दोस्तों आप वो भी राउंड शेप में और ब्लैक और ऑरेंज कलर का टच दिया हुआ है, बड़े अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड बॉक्स की, तो साइड बॉक्स जो है वो सेम कलर के साथ मैच है और यहाँ पे बड़े ही अच्छे स्टिकर्स दिए हुए हैं, सिग्नल 350 का साइन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फुटपैक्स की बात करते हैं तो बड़े छोटे से स्लीक से फुटपैक्स हैं और साथ में आप देख सकते हो जो साइड गार्ड लगा हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पीछे वाली टेल लाइट की, तो टेल लाइट इसकी राउंड शेप में आती है और आप देख सकते हो और यहाँ पे बड़ी अच्छी क्रोमिंग की लुक दी हुई है, यहाँ ब्लैक टच दिया हुआ है जो कि अच्छा लगता है, टोटली डिफरेंट लगता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके रेयर टायर की, तो रेयर टायर जो है वो 120/80/18 का आता है जो कि C8 का ही है और काफ़ी वाइड टायर है आप देख सकते हो। और जो पीछे वाली इसकी ब्रेक है दोस्तों वो 270mm की ABS ब्रेक आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पीछे वाले जो इसके सस्पेंशन है वो 6-way एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट टोटली ब्लैक में है बिकॉज सारा जो इसका कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो ऑल ब्लैक इंजन आ जाता है जो कि J1 सीरीज़ का 349cc का इंजन है जो कि BHP 20.2 BHP क्रिएट करता है और 27 Nm की इसकी टॉर्क है। और इससे काफ़ी ज़्यादा ये बिल्कुल टोटली नया इंजन है तो इसकी वाइब्रेशन जो है वो बहुत कम है। उसका मेन रीज़न ये भी है कि इसकी जो चेसी है वो
ट्विन डाउन ट्यूब चेसी आ जाती है और जिसकी वजह से इसकी वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर है दोस्तों। बहुत ही स्मूथ इंजन बनाया है इन्होंने और इसकी आवाज़ भी टोटली डिफरेंट है। तो आपको मैं बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आपको इसका साउंड सुनाता हूँ कि कैसा आता है, देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, बाइक का स्वैग ही बिल्कुल अलग है दोस्तों और साथ में ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि साउंड भी अच्छा हो, फीचर भी अच्छे हों और लुक्स भी अच्छी हों तो फिर तो मज़ा ही कुछ अलग है बाइक चलाने का। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ अष्टावक्रा ऑटो लुधियाना के शोरूम में जो कि बस्ती जोधेवाल में पड़ता है और यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो है 2,43,500 2,43,500 जो कि ऑन रोड है और इसमें आपको 5 साल की इंश्योरेंस मिल रही है जो कि 1 साल की फुल डैप कैप है और 4 साल की थर्ड पार्टी है दोस्तों। और इसके साथ कंपनी आपको एक रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल हेलमेट साथ में फ्री दे रही है जो कि 1825 जिसकी MRP है और इस प्राइस में आपको 1 साल की RSA मिल रही है और 3 साल की वारंटी मिल रही है जो कि 30,000 किलोमीटर तक की है दोस्तों। और आप इस बाइक को लो डाउन पेमेंट की स्कीम जो कंपनी की चल रही है आप उस पे भी इसको बाय कर सकते हो दोस्तों और 60 महीने तक का आप इसका लोन करवा सकते हो और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों। और इसके साथ इसमें जो फाइनेंस स्कीम है इसके साथ आपको एक नई स्कीम जो कंपनी की आई है कि आप इसको नो हाइपोथिकेशन में भी ले सकते हो, उसमें उसकी जो जो लोन कैपिंग है वो 70% है। आप लगा के चलो अगर आपका 2 लाख का बाइक है तो 60,000 रुपये डाउन पेमेंट होगी, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा आइडिया है। तो ये प्राइस जो डिटेल है ये लुधियाना पंजाब की है तो हो सकता है कुछ सिटीज़ में इसका प्राइस जो है वो थोड़ा अलग हो और ऑफर्स आपको मैंने बता दिए जो भी साथ में है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।